और ये बड़ी खबर आपके सामने, रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी। इमरजेंसी सेवाओं और इलेक्टिव सेवाओं का रेजिडेंट ने किया है कार्य बहिष्कार। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया है। त्योहारी सीजन में बढ़ सकती है मरीजों की परेशानी। ओपीडी आईपीडी इमरजेंसी सेवाओं में आने वाले मरीजों को हो सकती है परेशानी। प्रदेश भर में रेजिडेंट्स की हड़ताल से बेपटरी हुई है स्वास्थ्य सेवाएं। इलेक्टिव सेवाओं के बाद इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार जारी है। ओपीडी से लेकर आईपीडी तक मरीज और परिजन परेशान हो रहे हैं। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार अभी भी जारी है। इमरजेंसी सेवाओं और इलेक्टिव सेवाओं का रेजिडेंट ने बहिष्कार कर दिया है। चलिए, हमारे दो सहयोगी सचिन जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और राकेश हमारे साथ जोधपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सचिन का रुख करेंगे। सचिन, रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है और ऐसे में कई सेवाओं का रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया, इसको लेकर क्या तमाम जानकारी? देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो इन दिनों राजस्थान में, कह सकते हैं प्रदेश में, हड़ताल पर है। और तस्वीरें एसएमएस अस्पताल की है, आपको दिखाएंगे अभी तस्वीरें। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, 10 दिन लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद में उनकी चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से वार्ता हुई थी और वार्ता के बाद में कह सकते हैं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से दिया गया था। जब अल्टीमेटम के कह सकते हैं कि अल्टीमेटम देने के बाद में उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी तो उन्होंने यहाँ पर हड़ताल जो है वो इमरजेंसी सेवाओं की भी शुरू कर दी है। कार्य बहिष्कार जो है वो इमरजेंसी सेवाओं का भी शुरू कर दिया है। पहले इलेक्टिव सेवाओं का कह सकते हैं कि जो कार्य बहिष्कार है वो किया हुआ था, अब इमरजेंसी सेवाओं का भी कार्य बहिष्कार जो है वो किया हुआ है। कह सकते हैं कि कल हमने आपको इमरजेंसी की तस्वीरें दिखाई, अब आज हम आपको ओपीडी की तस्वीरें दिखाते हैं जहां हम खड़े हैं। इस वक्त ओपीडी की ये तस्वीरें हैं जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी हड़ताल का कितना असर है वो आपको यहां पर दिखाते हैं। हमारे कैमरा साथी जो राहुल है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, हम ओपीडी में आ चुके हैं और ओपीडी में आने के बाद में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पहले अगर आप देखेंगे तो मेडिसिन का ये वार्ड है, मेडिसिन कि ये ओपीडी है, मेडिकल ओपीडी, और कह सकते हैं कि इसमें आप लाइनें देख सकते हैं कि कितनी लाइनें जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। कतारें जो हैं वो लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है, इसीलिए कह सकते हैं कि ये जो लंबी कतारें हैं आपको देखने को मिल रही है। देखिए, इन दिनों मौसमी बीमारी का कहर जो है वो पूरे प्रदेश में है। आप डेंगू देख लीजिए, मलेरिया देख लीजिए, स्क्रब टाइफस देख लीजिए, सभी बीमारियों से ग्रसित होकर जो मरीज है वो लगातार ओपीडी में पहुंच रहे हैं इलाज लेने के लिए। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल होने के बावजूद कह सकते हैं कि जो सीनियर डॉक्टर्स है, सीनियर रेजिडेंट्स है, उन्होंने यहाँ पर कमान संभाली हुई है, लेकिन इफेक्ट आप देख सकते हैं, लंबी कतारें आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आप इलाज करवाने यहाँ पर आते हैं तो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है उनका ये रोल होता है कि वो डॉक्टर्स के साथ में बैठते हैं, सीनियर डॉक्टर्स के साथ में, और कह सकते हैं कि दवाइयां लिखने का जो काम है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स करते हैं। इतनी तादाद में यहाँ पे लोगों की भीड़ जमा होती है? देखिए, वैसे तो ओपीडी यहाँ पर कह सकते हैं कि इतनी ही होती है, रोज के अगर बात करें संख्या की तो 50,000 के लगभग लोग जो है वो ओपीडी में इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन उनका कह सकते हैं कि निपटारा जो है वो जल्दी से जल्दी कर दिया जाता है क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स उस समय हड़ताल पर नहीं होते हैं, लेकिन इन दिनों रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। देखिए, कुछ मरीज यहाँ पर है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर आप खड़े हैं, इलाज करवाने आए हैं, कितनी देर से खड़े हैं? सर, करिए आधा घंटा। आधे घंटे से आप खड़े हैं? सर, रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है, आपको पता है? जी पता है? नहीं पता तो नहीं था। पता नहीं पता आपको? देखिए, कई जो मरीज है उनको ये भी नहीं पता है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स है वो हड़ताल पर है, लेकिन जब जैसे यहाँ पर हम लोग आए हैं, मीडिया आए हैं, जी राजस्थान ग्राउंड पर आया है, तो कह सकते हैं कि लोगों को पता लगेगा। ठीक है सचिन, बने रहिए हमारे साथ, जोधपुर से हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए हैं। एक बार राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, 8 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार कार्य बहिष्कार कर चुके हैं और आज भी लगातार जारी है। ऐसे में कई सारी इमरजेंसी सेवाएं हैं, इलेक्टिव सेवाओं का भी अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बहिष्कार कर दिया है। फिलहाल अगर जोधपुर की बात की जाए, अस्पतालों की क्या स्थिति है?
देखिए बात जोधपुर की करूं तो रेजिडेंट डॉक्टर जिस तरीके से अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर स्ट्राइक पर चले गए और स्ट्राइक के साथ सबसे बड़ी बात है कि इमरजेंसी और इलेक्ट्रिक सेवाएं और ओपीडी आईपीडी सब कुछ उन्होंने जो है बहिष्कार कर दिया। और आप देख सकते हैं कि उसकी वजह से जो फ़र्क है वो आप साफ देख सकते हैं कि अस्पताल के अंदर जो है लंबी लंबी कतारें जो है लगनी शुरू हो गई, क्योंकि सीनियर जो डॉक्टर हैं उनके सपोर्टिव डॉक्टर के रूप में जब ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से जो लंबी कतारें हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि जो समय लगता है पेशेंट को देखने में, मेडिसिन लिखने में, उसमें जरूर जो है कमी आती है। लेकिन अब जब रेजिडेंट जो है हड़ताल पर है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव भी आप अस्पताल प्रशासन परिसर में देख सकते हैं कि जो ओपीडी की जो है लंबी लंबी कतारें हैं रेजिडेंट डॉक्टर पर जो हड़ताल पे, उनकी यही कहना है कि जो 8 सूत्री मांगे थी उस पर लगातार जो है 10 दिन तक उन्होंने क्रमिक अनशन किया। क्रमिक अनशन के बाद जो है उसके बाद जब चिकित्सा मंत्री से वार्ता हुई, वार्ता होने के 48 घंटे के बाद अल्टीमेटम में भी जब कोई काम नहीं हुआ, उनका 8 सूत्री मांगों पर कोई विचार मंथन नहीं किया गया, तो उसके बाद उन्होंने फिर से एक बार स्ट्राइक जो शुरू कर दिया। और स्ट्राइक का फर्क आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें, हम इस समय मेडिकल ओपीडी में खड़े हैं और मेडिकल ओपीडी में ये स्थिति है, आप देख सकते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा इमरजेंसी होती है मेडिकल और सर्जिकल, वहाँ पर हालात ये हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं, रेजिडेंट डॉक्टर बिल्कुल नहीं है। और रेजिडेंट नहीं होने के साथ भी ये भी प्रभाव देख सकते हैं कि सीनियर डॉक्टर भी अब यहाँ कमरों में कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंट नहीं होने से व्यवस्थाओं को माकूल करने के लिए इधर से उधर जो व्यवस्थाएं जो है सुचारू करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और उसी वजह है कि रेजिडेंट डॉक्टर के साथ साथ सीनियर के रूम भी कहीं कहीं खाली दिखे हैं। आप देख सकते हैं ये आचार्य कक्ष है वो भी खाली पड़ा है, वरिष्ठ आचार्य कक्ष है वो भी खाली पड़ा है। तो हालात संभाग मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है मथुरदास माथुर अस्पताल, जहाँ की ये व्यवस्थाएँ आप देख सकते हैं कि रेजिडेंट तो है ही है और साथ में सीनियर डॉक्टर भी गायब हो गए, क्योंकि उनका ये बहाना निश्चित रूप से मिलेगा सामने देखने को कि वो इस समय जो है वार्ड में राउंड पर है और इसी बहाने से वो इस रूम में भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से रेजिडेंट की हड़ताल का जो है असर पूरे करने की कोशिश कीजिए कि उनको कितनी परेशानियां हो रही, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है और ऐसे में देखिए अब मौसम भी बदल रहा है तो धीरे धीरे अब और बीमारियां भी बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे में मरीजों की संख्या तो कम नहीं होगी, तो ऐसे में यहाँ पर तो दोनों की स्थिति खराब है, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी नहीं है, सीनियर डॉक्टर्स भी नहीं है, तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, जरा बातचीत कीजिए। देखिए मैं लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगा, निश्चित रूप से ये बात सही है कि त्योहारी सीजन के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इन दिनों में मौसमी जो वायरल है, वायरल का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, मौसमी बीमारियां सबसे ज़्यादा है और मौसमी बीमारियां होने की वजह से आप जो है लंबी लंबी कतारें नज़र आती है। देखो जिनके जो यहाँ पेशेंट आ रहे हैं उनके चेहरों की हालात बता रहे हैं कि वो कितने जो है निराश हो रहे हैं, क्योंकि लंबी कतारें इनमें लगे हुए हैं लंबे समय से। आप कब से खड़े हैं, कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? 20 मिनट होंगे। तो क्या डॉक्टर्स आ गए आप? डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं आप? हाँ। क्या बीमारी है? बुखार आ रहा है। बुखार करीब 15-20 दिन हो गए। आप कब से खड़े हैं यहाँ पर? कब से खड़ा है? आधा घंटा होगी। आधा घंटा हो गया। लाइन में नंबर नहीं आया अभी तक। मरे ना, अभी आ गए। तो पेशेंट है वो लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, वो अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लंबी कतार है, ये छोटी कतारें नहीं है, ये ओपीडी की स्थिति है मथुरदास माथुर अस्पताल की, जहां लंबी कतार और पेशेंट इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर्स का, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से ये लंबी कतार है। अगर डॉक्टर समय पर अगर ओपीडी में होते और रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल नहीं होती तो निश्चित रूप से जो कतारें नज़र आ रही है वो कतारें आपको नज़र नहीं आती। ये कतार जो है डॉक्टर नहीं होने की वजह से, रेजिडेंट डॉक्टर्स के नहीं होने की वजह से लंबी लंबी हो रही है। आम ठीक है पर वैसे राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से सचिन का रुख करना चाहूंगे। सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सचिन, अभी हमने जयपुर की और जोधपुर दोनों की तस्वीरें देखी, जोधपुर में तो हाल बहुत ही खराब है, वहां पर तो सीनियर डॉक्टर्स भी नहीं है और कुछ बहाना करके वहां पे मौजूद ही नहीं है। तस्वीर हमने देखी, कैबिन्स बिल्कुल खाली पड़े, लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी है मरीजों की। तो त्योहारी सीजन तो है ही है, लेकिन जो मौसमी बीमारियां हैं वो लोगों को ज्यादा घिरी, वायरल बहुत चल रहा है अभी, खांसी जुकाम बुखार आम है, इससे लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर उनको डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल है। तो ऐसे में वहां पर लोगों को किस तरह की और परेशानी हो रही है, कितने समय से वो वहां पर खड़े हैं, जरा बातचीत कीजिए।
देखिए डराने वाली तस्वीरें हैं, आप ये देखिए इधर मेरे आप राइट साइड में देखेंगे तो एक परिजन जो है, एक परिवार जो है वो अपने बेटे को लेकर यहाँ पर अस्पताल की ओपीडी में बैठा हुआ है। काफ़ी देर से ये जो मरीज है ये अपने बेटे को यहाँ पर लेके बैठा है। अस्पताल वाले ना तो इसको भर्ती कर रहे हैं ना इनको डिस्चार्ज करने का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। साहब आप कहाँ से आए हैं? करौली से। करौली से आप आए हैं, आपके बच्चे को क्या हुआ है? ये कमर से रह गया है। कमर से रह गए हैं, अभी आप अस्पताल में आए हैं, ओपीडी चल रही है, हाँ। कुछ भर्ती करने का कुछ डॉक्टर से बातचीत? पर्ची लेके आ रहे हैं खाली, अभी किसी से कोई बात नहीं हुई है हमारी। किसी से कोई बात नहीं हुई? आपको पता है रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है? नहीं, हमें कोई पता नहीं है। तो आप करौली से आए हैं, इलाज आपको अभी कुछ देर पहले ये भी कहा गया था कि जेके लोन लेकर जाइए या कुछ ऐसा? हाँ, जेके लोन में दिखाया हमने, जेके लोन से फिर यहाँ भेजा, फिर यहाँ से कोई वो नहीं मिला हमें, जो दवाई गोली चल रही है उसी से फिर अब दोबारा फिर लेके आए हैं हम। काफ़ी तकलीफ हो रही हो? हाँ, काफ़ी तकलीफ हो रही है। देखिए ये मरीजों का दुख है, आप देख सकते हैं तस्वीरें, जब जेके लोन में लेकर गए अपने बेटे को तो वहाँ पर इलाज के लिए रेफ़र कर दिया गया, यहाँ SMS की ओपीडी में कह सकते हैं कि यहाँ पर इलाज के लिए रेफ़र कर दिया गया और इलाज जो है वो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। हालांकि परिजन जो है वो पर्ची कटाने के लिए यहाँ पर लेके गए हैं। दूसरी ओर आपको तस्वीर दिखाएंगे, वो भी आपको तस्वीर विचलित करने वाली तस्वीर है। आगे आप देखेंगे जो मरीज है उसको यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। आप देखिए, आपको दिखाएं रैंप पर जो मरीज है वो इंतज़ार में है कि उनका मरीज कब डिस्चार्ज हो, उनका मरीज कब वो अपने मरीज को घर लेकर जाए। उसके कह सकते हैं कि रॉड जो है वो यहाँ पर डली हुई है। आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए कितनी डराने वाली ये तस्वीरें हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो तस्वीर है ये कितनी डराने वाली तस्वीर हो सकती है। आप देखिए प्रशासन दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं और आते हैं इलाज के लिए, तो ऐसे में ना सिर्फ स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है बल्कि जो दूर दराज से लोग आते हैं वो कितने परेशान होते हैं, उनका रहना करना और उनको इलाज करने के लिए अब डॉक्टर नहीं है, सेवा देने के लिए डॉक्टर नहीं है और ऐसे में इमरजेंसी वार्ड में भी नहीं है सेवाएं, वहां पर भी बहिष्कार कर दिया है कार्य को लेकर, ओपीडी में भी लेकर आईपीडी में भी तक मरीज और परिजन परेशान हो रहे हैं। ऐसे में इसका कोई समाधान क्या अभी तक निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए वैसे तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है वो चिकित्सा विभाग से मांगी गई है, अस्पताल में एक्स्ट्रा डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाने के लिए, रोटेशन में ड्यूटी लगाने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो मांगे गए अस्पताल प्रशासन की ने। तो अब आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कितनी डराने वाली तस्वीरें हैं। आप ऑपरेशन हो गया आपका और ऑपरेशन होने के बाद में आप ये तस्वीरें हैं जहां पर मरीज एक कह सकते हैं कि अस्पताल की जो फुटपाथ है उस पर मरीज आपको देखने को मिल रहा है। इनकी परिजन जो है वो उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या हुआ है आपके मरीज को? ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, अभी पर्ची के लिए सुबह भेज रहा हूँ, अभी ये डिस्चार्ज नहीं हुई है, पर्ची नहीं दे सकते हैं अभी। क्यों डिस्चार्ज क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या बता रही, डिस्चार्ज हुआ नहीं है अभी तक, पर्ची नहीं करेंगे, डायरेक्ट तो आपको बुधवार का मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अगर देखिए डॉक्टर का दिन बुधवार को होगा तो बुधवार को ही डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज अभी हो नहीं, ऑनलाइन है, अभी मैं इसको भर्ती करने के लिए बोल रहा हूँ, पर्ची नहीं दे रहे हैं। देखिए ना तो भर्ती कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी मरीज परेशान हो रहे हैं। सचिन एक बार मैं राकेश का रुख फिर से करना चाहूंगी। राकेश, तस्वीर हम देख रहे हैं जयपुर में, जिस तरीके से सचिन भी मौजूद है अस्पताल में और दिखा रहे हैं कि वहां पर एक्चुअली परेशानी लोगों को कितनी हो रही है और ना तो उन्हें भर्ती किया जा रहा है, ये परेशानी है, दूर दराज से लोग आते हैं। अब इसका कोई वैकल्पिक समाधान अभी फिलहाल कुछ दिया जा रहा है? वहां पर जो मरीज आ रहे हैं लंबी लंबी कतारें आप दिखा रहे हैं, उनके लिए कोई कुछ तो इंतजाम किए होंगे? देखिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात है या स्थायी समाधान की बात है, समाधान तो अब जब रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त होगी उसके बाद ही नजर आएंगे, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाओं के रूप में जो सीनियर डॉक्टर्स है या जो सेवानिवृत्त डॉक्टर है उनसे भी संपर्क किया जा रहा है ताकि यहाँ उनके जरिए जो है व्यवस्थाओं को माकूल किया जा सके। संभाग मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल होने की वजह से व्यवस्थाएँ सुचारू करने में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है समस्याएँ तो आ ही रही है। वैसे SN मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है BS जोधा, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अब अचानक रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल कर दी तो उसको लेकर व्यवस्थाओं को माकूल करने का जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। मैं कैमरा पे भी कहूँगा कि वो यहाँ के अंदर की जो तस्वीरें बताए, आउटडोर की स्थिति यह है जिसको सुचारू करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आउटडोर है निश्चित रूप से तो मरीज तो जो है दूर दराज से आएंगे ही अपने पेशेंट को चेक करवाने के लिए, लेकिन
ठीक है, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। सचिन और राकेश, आपने दोनों ने तस्वीरें दिखाई, लेकिन अपनी मांगों को पूरा नहीं होने पर ये लोग हड़ताल पर, और ऐसे में अब लगातार ये हड़ताल कई दिन हो गए इसे, जिससे लोग परेशान हो रहे, मरीज परेशान हो रहे हैं। आप दोनों ने तस्वीरें दिखाई, जानकारी दी, उसके लिए बहुत